केंद्र सरकार के कृषि बिल और महंगाई को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। रुड़की के लंढौरा में किसान संकल्प यात्रा के दौरान कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर रुख इख्तियार किए। हरीश रावत ने कहा है कि किसानों के ऊपर जो तीन काले कानून थोपे जा रहे हैं उससे किसानों का शोषण किया है। काले कानूनों को वापस लेने के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है। किसानों के संघर्ष के लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार हैं। पूरे देश में और सच में किसानों के लिए जो दुर्दशा हो रही है और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, महंगाई ने बिल्कुल लोगों का छत द्वार कर दिया है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि आम जन के लिए कोई राहत नहीं है। इसी बात पर जनाक्रोश सभा का आयोजन लगता है।